मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में अवैध इमारतों का निर्माण इस तरह से जारी है कि डोंगरे चाल किस्मत कॉलोनी स्थित फातिमा मंजिल के पांचवी मंजिल के ऊपर बिल्डर अकबर पटेल छठवीं मंजिल पर अवैध निर्माण कर रहे हैं, जिसका विरोध फातिमा मंजिल में रहने वाली महिलाएं कर रही हैं। अकबर पटेल जबरदस्ती महिलाओं से झगड़ा कर छठवीं मंजिल पर अवैध निर्माण कर रहे हैं। महिलाओं ने इस अवैध निर्माण का विरोध किया तो अकबर पटेल ने महिलाओं को मारने के लिए दौड़ा और गाली गलौज महिलाओं से की। एक तो इमारत की छठवीं मंजिल पर अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा है और ऊपर से विरोध करने वाली महिलाओं को मारने की धमकी और गाली गलौज दे रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि जो 4 से 5 रूम अवैध रूप से छठवीं मंजिल पर बनाए जा रहे हैं वो फातिमा मंजिल में ना बनाया जाए, बल्कि फातिमा मंजिल के बगल में ही बिल्डर फिरोज चौधरी भी एक अवैध इमारत का निर्माण कर रहा है उसमें बनाया जाए। यानी अवैध निर्माणों का निर्माण जोरों पर है मगर शासन प्रशासन की नज़र नहीं पड़ रही है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। फातिमा मंजिल में रहने वाली महिलाओं ने बताया कि जिस जगह पर फिरोज चौधरी नामक बिल्डर अवैध इमारत का निर्माण कर रहा है वहाँ कचरा फेंका जाता था और मगर फातिमा मंजिल में रहने वाले लोगों ने ही इस जगह की साफ सफाई की और कुछ दिन बाद ही फिरोज चौधरी ने इस जगह पर अवैध निर्माण की शुरुआत कर दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अवैध निर्माण शुरू किया गया है। आप फाउंडेशन देख सकते हैं कि जो अवैध निर्माण किया जा रहा है। दरअसल फातिमा मंजिल की छठवीं मंजिल पर अवैध निर्माण अकबर पटेल कर रहे हैं और वही बगल में ही फिरोज चौधरी नामक बिल्डर अवैध इमारत बना रहा है और दोनों अवैध इमारतों का विरोध ये महिलाएं कर रही हैं और विरोध करने पर महिलाओं को मारने की धमकी गाली गलौज दी जा रही है। संवाददाता सबिया हुसैन शेख ने महिलाओं से बातचीत की है। महिलाओं ने क्या कहा है इन बिल्डरों के बारे में, क्या कहा है अवैध निर्माण जिस तरह से धड़ल्ले से किए जा रहे हैं उसके बारे में इन महिलाओं ने क्या कुछ कहा है। अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रहार टाइम से मैं सबिया हुसैन शेख, हम मौजूद है किस्मत कॉलोनी डोंगरे चाल परिसर में। यहाँ पे एक फातिमा बिल्डिंग के रहवासी की बिल्डरों के खिलाफ कुछ शिकायत कर रहे हैं। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं, क्या जानकारी देना चाहते हैं। आपका नाम? फरहानाज। क्या बिल्डरों के खिलाफ आप जानकारी देना चाहते हो? जानकारी ये है कि इसके अंदर अभी हम लोग रहते हैं 5 माले की, अभी ये फिलहाल बिल्डिंग है। 4 साल पहले मैंने रूम ली थी, अब मुझे मालूम पड़ा है कि टेरिस के ऊपर ये लोग रूम बनाना चाहते हैं, तो सोसाइटी और सारे मेंबर्स खिलाफ है उसके कि 5वें माले के ऊपर 6ठा माला नहीं चढ़ना चाहिए। तो आप बिल्डर का नाम बता सकते हो? बिल्डर का नाम अनवर पटेल है और उसका बेटा अकबर पटेल है। उन्होंने अभी आके 2 दिन पहले आके हमको धमकी दी है कि आप लोग सोसाइटी छोड़ दो। पहले वो लोग सोसाइटी चलाते थे, 20-20 हज़ार रुपये टैक्स के पहले निकाले, 3,500 रुपये निकाले, पानी लीगल कराने के लिए निकाले, कुछ भी लीगल नहीं कराए। थोड़े देर पहले जो इसका पहले का लैंडलॉर्ड था जो 16 रूम मांग रहा है, तो उसने आके हम लोग से बात करके गया कि वो चोर किधर है और जो भी XYZ, मतलब वो बिल्डर को गाली देने लगा। बाजू की साइड आज वापस चालू हुई, उसने स्टे मारा हुआ है, तो बोले ये साइट कैसा चालू हुई, तो हम बोले मंडे के दिन इस पे कार्रवाई करेंगे। वो नीचे से सुना तो उनकी वाइफ ने ऊपर से सुनी और अपने बेटे को और शायद भतीजे को और नहीं मालूम किसको, अपनी बेटी को, उसने सबको बुलाई। इतने में वो डायरेक्ट आया और मेरे हस्बैंड के एकदम ऐसा आमना सामना हो गया जैसे वो मारने आया। उस वक्त हम लेडीजें सब बाहर आए तो वो ऐसा आया जैसे हमको मारेगा, एकदम ऐसे करीब तक आके कि हम मैं मारूंगा जैसे, ऐसी धमकी दे के गया और तुम क्या कर सकते वो तुम करो और हम क्या कर सकते वो हम करो। तो हमको सिर्फ इंसाफ चाहिए कि हमारी टेरिस के ऊपर रूम नहीं बनेंगे। मतलब कुछ सबिया नाम या शबीना नाम के कुछ 16 रूम थे इसके अंदर, पहले ये स्कूल था, तो उसके कुछ 16 रूम उन्होंने दिए नहीं वापस। तो अभी उन लोग का कुछ कोर्ट में मैटर चल रहा है, तो वो बोलते हैं कि ऊपर बना लो 4 रूम और ले लो, तो जो बाजू की बिल्डिंग बन रही है उसमें 4 रूम ले लो। तो हमारा बोलना ये कि हमारी बिल्डिंग में क्यों, जब तुमने हमको रूम भेजे, जब तो तुमने बताया नहीं कि केस था, हम रूम ही नहीं खरीदते, और जो भी 4 रूम देना है आप आपकी बिल्डिंग में आप दीजिए, हम ऊपर बनाने नहीं देंगे। टोटल लोग अगेंस्ट है,
पांच माले पे रूम नहीं बनेगा, पांच माला ऑलरेडी है, छह माले पे रूम नहीं बनेगा। कितने साल पुरानी ये बिल्डिंग है और आप कितने साल से यहाँ पे रह रहे हो, आप बता सकती हो? हम तो 25 साल से इसी बिल्डिंग में रह रहे, एक बार जब टूटी नहीं जब भी हम इसी बिल्डिंग में थे, और अभी 10 साल हो गए टूट के बनी है। लेकिन बिल्डिंग हम ये सोचते हैं कि पांच महले के ऊपर बिल्डिंग नहीं बनना चाहिए, बस हमारी यही शिकायत है कि पांच महले पे कोई भी रूम नहीं बना सकता है। बिल्डर बोला था कि चार महले की बिल्डिंग चार से पांच पे बन गया, अब पांच के ऊपर नहीं जाना चाहिए बस। इस सारे मामले में आपका क्या कहना है? ये पांच महले के बाद ऊपर कोई मकान नहीं बनना चाहिए, कोई भी टेरिस के ऊपर कोई भी घर नहीं बनना चाहिए। अभी 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 थोड़ा देर पहले अभी झगड़ा हुआ है, लोग के आंग पे आए कुछ झगड़ा हुआ, हाथाबाई की नौबत आ गई थी, मगर फिर संभल गए। लेकिन ये चीज़ है कि हम सबकी ये राय है कि ऊपर रूम नहीं बनना चाहिए। इस मामले पर हमने अकबर पटेल से भी अपना पक्ष रखने को कहा, लेकिन कई बार उन्हें फ़ोन कर बाइट देने के लिए कहा गया, लेकिन वो बाइट नहीं दिए। लास्ट बार उन्होंने कहा कि मैं 10:30 बजे ऑफिस से आकर आपको कॉल करता हूं, मगर उसके बाद भी उन्होंने कॉल नहीं किया। सुनिए ये कॉल रिकॉर्डिंग, क्या कहा है अकबर पटेल ने। हेलो, हाँ भाई, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, अरे बाइट तो दो यार। भाई मैं, अरे हाँ मैं अभी ऑफिस से निकला आ रहा हूँ ना, एक डेढ़ घंटा का, 10 बजे तक। अरे भाई 10 बजे अभी आप बोले शाम को, फिर बोले 10 बजे। अरे तो भाई मेरा ऑफिस का टाइम ही है ना भाई, है मेरा ऑफिस का टाइम है 8:30 बजे निकला हूँ अभी, मेरा ऑफिस का टाइम ही है ना ये। आप 10 बजे निकल के आप फोन करो, अब मैं आपको फोन नहीं करूंगा, ठीक है? हाँ मैं फोन करूँ ना। हाँ, चलो आप फोन करो। हाँ हाँ ठीक है। यानी धड़ल्ले से अवैध निर्माण जारी है। छठवीं मंजिले की तस्वीरें हैं, देख सकते हैं किस तरह से अवैध निर्माण हो रहा है, और बगल में एक अवैध इमारत का निर्माण कार्य भी शुरू है। क्या मनपा इन अवैध इमारतों पर एक्शन लेगी, या फिर अवैध निर्माणों को तोड़ा जाएगा, बनने से रोका जाएगा, या फिर सब देख कर भी नज़रअंदाज किया जाएगा? अवैध निर्माणों पर आवाज़ उठाने वाली महिलाओं को बिल्डरों द्वारा धमकियां दी जा रही हैं, गाली गलौज की जा रही हैं। अब देखने वाली बात यह है कि मनपा कार्रवाई इन अवैध निर्माणों पर करती है या फिर नहीं। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।